महिला सुरक्षा के साथ किशोर किशोरियों को सशक्तिकरण सहित बाल विवाह रोकथाम जैसे कई मुद्दों पर भोपाल जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक हुई। भोपाल कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े के साथ भोपाल DIG इरशाद वली सहित कई पुलिस अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। दरअसल भोपाल में महिला अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसी अपराधों पर शिकंजा लगाने के लिए अब पुलिस के साथ जिला प्रशासन भी चिंता में है। लगातार मामले स्कूल व कॉलेज के सामने देखे जा रहे हैं, उसी को लेकर शहर के तमाम स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल इस बैठक में उपस्थित हुए। हम लोग की रिक्वेस्ट है कि जो लोग आवारा तत्व हैं वो ना जाएं वहाँ पे, पुलिस तो अपना काम करेगी, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह दुकान जो भी है बंद कराएगी नगर निगम वहाँ पे, और जो परिवार जो सोसाइटी की भागीदारी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, जो एरियाज हैं वो वेल लाइटेड रहें वहाँ पे, कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन दे आती है इस तरह की तो उसको हम ज़रूर उसमें इंटरवीन करेंगे, कोशिश करेंगे कि वहाँ पे बेहतर व्यवस्था हो पाए। जो स्कूल कॉलेजेस की जहाँ तक की बात है, हम लोगों ने कई बार मीटिंग लेके भी उनको बताया है कि उनके वार्ड्स जो हैं वो भी वहाँ पे, उनके टीचर्स वगैरह वहाँ पे बाहर में रहें, देखें वहाँ पे उनके जो वार्ड हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। उनके खुद के स्टूडेंट्स तो वहाँ पे छेड़खाने में इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे उनके कैमरे वगैरह इंस्टॉल्ड हैं या नहीं है। हम लोगों ने भोपाल ऐप करके आई करके भी ऐप लॉन्च किया है कि उसमें अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डायरेक्ट फीड भी मिलेगी उस इंस्टीट्यूट के बाहर की। तो सब लोग मिल करके जितने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं उतना थोड़ा सा जो अपने कर्तव्यों के प्रति भी सब लोग, हम लोग जागरूक रहेंगे बेहतर व्यवस्था दे पाएंगे। रिपोर्ट खबर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मध्य प्रदेश के कई जिलों व तहसीलों में संवाददाता नियुक्त करना है, हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।